समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय हमारे साथ हैं। राजीव जी, ये बताइए, कल कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स की, क्या पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम सुबह 7 बजे नेता के वेश में इनकम टैक्स कमिश्नर आए, कुर्ता पजामा जैकेट पहने, मेरे सिक्योरिटी से उन्होंने बोला, उसने सोचा कि शायद कोई मिलने आया है, दरवाज़ा खोलते ही सीधे पार करके मेरे बेडरूम में घुस गए 10-15 लोग, बाहर पुलिस PSC, ऐसा माहौल बना दिया कि बहुत बड़े आतंकवादी को उन्होंने पकड़ लिया है। विरोध करने पर उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, मेरा मोबाइल सीज कर लिया। सवाल चंद थे, जो मुश्किल से 1-1.5 घंटे का था, लेकिन लगभग 17 घंटे 18 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और 11 बजे जब पुलिस बगावत पर उतर आई, पुलिस के CO को जाकर IRS ऑफिसर को फटकार लगानी पड़ी, क्योंकि उस वो अधिकारी भी जानता था कि अब कुछ है नहीं, लेकिन दिल्ली से क्लियरेंस नहीं मिल रहा था कि तुम उठ के आ जाओ। तो अभी हर आधे घंटे, हर 2 घंटे, अच्छा और आधा घंटा, और 2 घंटा आता था। पुलिस वालों के भी सीमा बर्दाश्त हो गई, जो सुबह 7 बजे सिपाही आए थे, रात को 11 बजे तक ठंडे में खड़े थे, तो जब गर्म हुआ तब ये लोग उठ के गए। कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई सर? मेरे बेंगलोर के संस्थानों पर हुआ है, मेरे बेंगलोर के आवास पर हुआ है, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ हुआ है, मेरे स्टाफ के यहाँ हुआ है, मेरे मऊ के घर में हुआ है, और भी कहीं खोज रहे होंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। क्या क्या रिकवरी कर ले गए हैं वो, क्या ले गए? कुछ नहीं, भारी राशि बोरों में भरकर 76,600 रुपया, और कंप्यूटर का उपयोग करके मेरे फ़ोन को क्लोन करके ले गए हैं। मेरा तो ये भी शक है कि क्लोन करके ले गए हैं तो कुछ फैब्रिकेट भी नहीं कर दें, ये भी शक है। और भी फोन मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस बात को राष्ट्राध्यक्ष जी ने बोला, क्योंकि बातचीत के दौरान में उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जो मैंने किसी से फ़ोन पर कही थी। मैं फिर कहता हूँ कि आप CDR से ये बता सकते हो मेरे और इनके अंदर बात हुई थी, क्या बात हुई थी बिना रिकॉर्डिंग और बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका आपका फ़ोन रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड हो रहा है, और इसको मैं विचार करूंगा कौन सी कार्रवाई करी जाए। और भी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? आपके सामने बोला, मैं ही सबसे बड़ा तो नहीं हूँ, अगर मेरा हो रहा है तो बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के हो रहे होंगे। इसमें जाति वाला एंगल कहाँ से आ गया? मैं तो बोला कि अगर मुझे अपने से पूछने का, जब आदमी बिना किसी गलती के सजा पाता है तो आत्मचिंतन करता है ना, मेरे कहाँ गलती होगी, तो मैं बहुत सोच लेता हूँ, तो मुझे यही जवाब मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं चाचा भतीजा के गठबंधन के बाद ये कार्रवाई हुई हो? अभी ये तो काल्पनिक हो गया, काल्पनिक सवालों का क्या काल्पनिक जवाब दें? क्या उस गठबंधन से सरकार डर रही है? समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता से सरकार डर रही है, तभी तो राजीव राय के ऊपर छापे मार रही है, पूर्वांचल में सबसे डर रही है, भूजता हुआ चिराग भड़कता है तो कर रहे हैं। राजीव राय का कहना है कि भूजता हुआ चिराग भड़कता है और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से सरकार डर रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। कैमरे से होगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, VP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।